मैं इस समय अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में हूं और यहां पर कट्ठीवाड़ा मार्ग पर एक ब्लाइंड बच्चों का एक हॉस्टल है, आश्रम है, या जो कि इंदौर की एक संस्था के द्वारा संचालित है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से इसे संचालित किया जा रहा है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। यहां पर करीब 3 से 4 दर्जन बच्चे रहा करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद अब करीब 1 दर्जन बच्चे यहाँ पर हैं। लेकिन इसमें खबर ये है कि इस महत्वपूर्ण मिशन को लेकर अब न तो सरकार गंभीर है, न ही जिला प्रशासन गंभीर है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो बेशकीमती ज़मीन है और अब शायद लोगों की उस पर नज़र है और शायद कुछ अफसरों की उसमें मिलीभगत है। यही वजह है कि यहाँ पर अनुदान बढ़ाने की बजाय, फंडिंग के स्रोत जुटाने की बजाय, अब इसको बंद करने की, पर्दे के पीछे बंद करने की एक योजना पर काम चल रहा है। पहले इस आश्रम की तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा एक बढ़िया कैंपस है, लेकिन यहाँ पर आप अब जो इसकी बिल्डिंग है उसमें दरारें आ गई हैं, छत टपकने लगी हैं, 12 बच्चे जो अंधत्व का शिकार हैं वो यहाँ पर रहकर अपना जीवन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेल लिपि में उनको यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, खिलाया जाता है और यहीं पर आवासीय सुविधा उनको दी जाती है, उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है और जो यहाँ का प्रबंधन है वो अपने स्तर पर पूरी कोशिश करता है। ये 84 से शुरुआत हुई थी इसकी। पहले हम किराए के मकान में इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद फिर ये ज़मीन खरीदने के बाद 92 से भवन का निर्माण होने के बाद इसको संचालित किया है। 30 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इसको संचालित होते हैं। पहले स्टार्टिंग से ही इसमें 50 बच्चों के समथिंग की संख्या थी, पर 2017 के बाद से बच्चों की संख्या में थोड़ी कमी आती गई। अभी कितने बच्चे हैं? अभी अपने 15 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, मौजूद 13 है। 30 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, शासन से, सामाजिक न्याय विभाग से केवल भरण पोषण का पैसा मिलता है, मरम्मत का कोई पैसा नहीं है। तो अभी क्या स्थिति है भवन की? भवन की स्थिति है कि तीन कमरों में बच्चे रह रहे हैं। ऊपर के जो 3 कमरे हैं उसमें पूरी जर्जर हालत हो चुकी है, ऊपर से पानी टपकता है जिसके कारण बच्चों को रखने में असुविधा है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए दृष्टिगत रखते हुए बहुत वो है। बच्चे कम होने का कारण ये है कि एक तो कोविड आ गया था बीच में, उसके बाद फिर क्या कि निरंतर से पहले शासन की तरफ से भी कलेक्टर महोदय या अनेक लोग मिलकर हर एक अपने अपने विभाग में इस पे जोर देते थे कि आप बच्चों को देखें, आपके क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं उनको इकट्ठा देख के और उनका एडमिशन यहाँ कराया जाए, क्योंकि हमारे पास स्टाफ में केवल 2 ही व्यक्ति है जो सब जगह तो जा नहीं सकते हैं पूरे फील्ड में, तो जिस कारण से बच्चों की कमी ही है। अधिकारी बीते कुछ महीनों में यहाँ लगातार निरीक्षण ही कर रहे हैं, निरीक्षण के अलावा जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आरोप है। क्योंकि आप निरीक्षण करते हैं, आप चीज़ों को यहाँ देखते हैं, कमियों को पाते हैं, अनुदान 10 साल पहले बढ़ा था, आज अनुदान आप बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। बच्चों को खिलाना है, यहाँ पर उनको रखना है, मैनेजमेंट भी करना है और 10 साल पहले जो अनुदान स्वीकृत हुआ था, बढ़ा हुआ, वो आज तक चल रहा है। ऐसा कैसे संभव है कि ऐसा होगा? कैसे ये मेंटेन करेंगे? क्या चाहती है सरकार, क्या चाहते हैं अफसर, कि ये केंद्र बंद हो जाए? जो ब्लाइंड बच्चे हैं जिनके लिए कोई संस्था यहाँ पर काम कर रही है उसको बंद कर दिया जाए और ये बंद होने के बाद इस ज़मीन को औने पौने दामों में जो भू माफिया टाइप के लोग हैं उनको बेच दिया जाए, अफसरों को मोटा मुनाफा मिल जाए? क्या चाहती है सरकार, ये अफसर क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो ज़मीन पर काम करिए, विजिट करना, दौरे करना, प्रस्ताव भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये क्या है? ये जुमलेबाजी है। जो सियासतदान करते हैं ये जुमलेबाजी अफसर न करें, ज़मीन पर काम करें। एक अच्छा मिशन है और इसके लिए कई लोग जो मानवता के साथ जीवन जी रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि इसको सुरक्षित किया जाए, इसे संवर्धित किया जाए। ऐसे लोगों के हौसले हमें बुलंद करने चाहिए और ऐसे लोगों के हौसले कमज़ोर करने चाहिए जो यहाँ पर गिद्ध दृष्टि जमा कर बैठे हैं। तस्वीरें देखिए बच्चों की, यहाँ पर उनको ब्रेल लिपि में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की मूवमेंट देखिए। कक्षा की बुक है, ठीक ठीक दो भागों में ये कौन सा भाग है?
ये भाग दो भाग दो बरोबर। हाँ सर ठीक। सर मैं यहाँ 10 साल रह चुका हूँ। हमारे ये भवन 30 साल पुराना होने के कारण यहाँ हमारे को रहने में थोड़ी तकलीफ होती है। इस क्या रहने में थोड़ा तकलीफ होती है और पानी भी टपकता है छत पे। काफ़ी कुछ पुराना ये छत क्या है भवन, तो यहाँ हमारे को रहने में भी बहुत तकलीफ होती है। इस कठिनाई का सामना हम बहुत कर, मतलब रात में पानी वगैरह आ जाए तो चैन सो भी नहीं पाते। अच्छा। और जो हमारे नहाने धोने का बाथरूम है वहाँ के भी दरवाजे सब टूट गए हैं, और वहाँ के मतलब नहाने जाते तो जानवरों की समस्या रहती है, डरवाने लगा। हाँ डर रहती। और ये जहाँ दीवारें गीली हो जाती तो वहाँ हम पंखा वगैरह चालू करते तो वहाँ भी करंट आ जाता है। और जो हम खाना खाते वहाँ पर भी पानी टपकता है, बहुत समस्या का वो सामना करना पड़ता है हमारे। तो आपको क्या लगता है इन गरीब परिवारों के बच्चों को जो ब्लाइंड हैं उनको यहाँ पर शिक्षा मिलनी चाहिए, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, बेहतर आशियाना मिलना चाहिए, यहाँ के भवन दुरुस्त होने चाहिए, यहाँ के जो अनुदान है वो बढ़ाया जाना चाहिए, सामाजिक न्याय विभाग के अफसर आखिर करते क्या हैं? विजिट 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 और ज़मीन पर नतीजा 0-0-0, ऐसा कैसे चलेगा? जिम्मेदार अफसरों से आग्रह है कि वो इस पर ध्यान दें, माननीय राज्यपाल ध्यान दें, बाकी माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ज़रूरतमंदों के लिए होते हैं उनकी ज़मीनों पर गिद्ध दृष्टि ठीक नहीं है, और जो लोग ऐसी दृष्टि रख रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर सी बी लाइव एक बैरियर का काम करेगा। बने रहिए सी बी लाइव के साथ।